أعوذ بالله السميع العليم العظيم الحفيظ بوجه الكريم والسلطان القديم من الرئيس الخبيث المخبث الشيطان اللئيم الرجيم وقبيله ونفقه ونفسه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم if you stop. If you do not stop, then جنة اليوم في شغل فاكهوه. مدى عرض stretch it equal to 2.5. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام كيف stop قولا من رب الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما The bounties for the people of Jannah. Verily, the people of Jannah will be joyous in their occupation on this day. The author of Ruhul Maani writes that preoccupation with the bounties of the hereafter will make a person oblivious of everything else imaginable. Some commentators have translated the Arabic word faqihun as enjoying the fruit of Jannah. They together with their spouses will be resting on couches in the shade. Allah says in Surah Waqia that the couches and thrones that the people of Jannah shall occupy will be woven with gold and will face each other. Further describing the bounties, Allah Ta'ala says there they will have fruits and whatever they request. The bounties of Jannah will therefore not be confined to what is mentioned in the Quran Majeed and Ahadith Mubarakah. A person will receive whatever else his heart desires. A verse of Surah Zukhruf read, In Jannah there shall be whatever the heart desires and whatever pleases the eye. Best of all will be that. Salamun Qawlam Mir Rabbir Rahim. Best of all will be this. They will have a greeting of peace from the most merciful Rabb. Allah will personally greet the people in Jannah. आज आप लोगों के लिए पहले बात हुई दूसरे लोगों की क्या होगा काफर क्या कहते हो आज है इन्ना असहाबल जन्नतिल यौमा इन्ना मैंने बेशक कोई बात यकीनी हो तो उसके शुरू में इन्ना आता है इन्ना अन्ना कान्ना लकिन्ना लई तलाल असहाबल जन्नत जन्नत वाले अल यौमा यौम वो जो माशर का दिन है फी शुगुलिन फाकेहून शुगुल फाकेहून तो शुगुल किसे कहते हैं अक्सर ये उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है शुगुल ये आजकल आपका शुगुल मुगुल क्या है वो मुगुल पता नहीं क्या है भर शुगुल सुन लें वो क्या है शुगुल आदमी का किसी चीज में इस तरह महव हो जाना कि उसको बाकी की खबर ना रहे वो शुगुल है इस तरह वो गुम हो जाए उसमें कि उसको बाकी की खबर ना रहे तो वो काम शुगुल कहलाएगा आप खाना खा रहे हैं आपको बाकी की खबर नहीं है ये शुगुल है ये भी आप ऑफिस चले गए अब आपको पीछे का कोई नहीं आप ऑफिस में वो ध्यान से काम कर रहे हैं ये आपका शुगुल है आप फर्क कहते हो आजकल क्या शुगुल है वो यही पूछ रहा था काम क्या कर रहे हो आजकल तो शुगुल पहले तो ये कुरान में अगर आपको प्रोनाउंसिएशन मिल जाए तो अपनी जुबान में वही इस्तेमाल किया करें क्योंकि उर्दू में अरबी से ही अल्फाज आए हैं टर्किश के हैं कुछ
परजियन के काफी सारे हैं, अरबी के हैं और संस्कृत के हैं जिसको हिंदी बोलते हैं आजकल। तो संस्कृत ये सारी जुबानें मिलकर एक जुबान उर्दू बनी है। उसके बाद फिर उर्दू में आप भी लोग अल्फाज डालते रहते हो जहां जहां, आप तो खैर उर्दू रह ही आदि गई है, एक लाइन के अंदर चार लफ्ज तो इंग्लिश के होते हैं जो हम लोग अमेरिका में रहते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग ध्यान दिया करें कि आपके बच्चे जो हैं वो आपकी जुबान सीखें। आप मेमन हो तो कभी भी मेमिनी जुबान के अलावा बच्चे से डिस्कस करें, क्योंकि इंग्लिश तो वो सोते हुए भी बोल लेगा, वो बच्चे की उम्र ही ऐसी होती है कि वो सोते हुए भी इंग्लिश बोलेगा, उसको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप सिखाओ या ना सिखाओ। लेकिन मेमिनी उसको नहीं आएगी, उसको बंगाली जुबान नहीं आएगी, उसको उर्दू नहीं आएगी, वो आप लोगों को बोलना है। और ये सब लोग याद रखना, कभी फख्र ना करना कि तुम्हारा बेटा इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा है, ना। जिस दिन तुमने फख्र किया तुम्हारा बेटा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हारी जुबान नहीं बोल रहा, उस दिन तुम आधे अब्बा जी हो गए और 18 साल के बाद तुम बिल्कुल ही खत्म हो गए, फिर तुम अब्बे नहीं रहोगे, फिर कुक कक नहीं होगे। ये मेरा जुमला अभी बुरा लगे शायद जो नए नए आए हैं, लेकिन ये जुमला बुरा नहीं है। इसी यही वजह है कि बच्चे जो हैं अपनी नस्ल से कट गए हैं। अपनी जुबान की अहमियत उनके अंदर उजागर करवाओ, ये बात याद रखना। अगर वो जुबान बोलना भूल गए तो फिर गए। पंजाबी बोलते हो, तेरे बेटे को पंजाबी आनी चाहिए, वो तू सिखाएगा, इंग्लिश तू नहीं सिखाएगा, वो खुद खुद उसको आ जाएगी। लेकिन ये, और फिर दूसरी बात, बच्चा अभी बिल्कुल छोटा सा है, 2 साल का है, उसको 2 साल का नहीं समझना वो बच्ची है या बच्चा है, उसको फुल स्कार्फ पहनाओ। 2 साल की भी बच्ची है तो उसे पहनाना शुरू कर दो। उसकी मैं मिसाल देता हूं, अमेरिका के अंदर बच्ची को शुरू से ही उसकी टांगे नंगी करवा दी जाती, क्यों? इसलिए कि बच्ची के अंदर अल्लाह ने शर्मो हया की सीढ़ी फुल भर दी है। उसको खत्म करने के लिए कम अज कम 10 साल चाहिए, और उस 10 साल के अंदर उसका यूनिफॉर्म ऐसा बना दिया जाता है ताकि जब ये बड़ी हो तो इसको शर्म ही महसूस ना हो। तो इसलिए माओ बहनों गौर से सुन लो, कभी ना कहना मेरी बच्ची अभी छोटी है, मैं इसको हिजाब पहनाऊं, मीन स्कॉर्फ। ये मुंह हाथ और पांव ये आपको ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप आपकी मर्जी है, लेकिन ये हिजाब वो 2 साल से 3 साल से शुरू कर दो, और जिस दिन पहने इतनी खुशी का इजहार करो अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अभी गुफ्तगु में आगे बढ़ाऊंगा। तो ये बात है मुसलमानों, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है मुल्क मजहब जो अपनी चीजें लागू नहीं करता, सिवाय हमारे मुसलमानों के। ये अपने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को समझते हैं कि हम लोग पुराने हो जाएंगे, ना। हजरत सलमान फारसी गवर्नर बन के गए तो रोटी खाते हुए लुकमा जमीन पर गिर गया, आपने जमीन से लुकमा उठा के झाड़ के खाया तो साथ वाले बंदों ने कहा, हुजूर बड़े बड़े अमीर आदमी बैठे हुए हैं, फारस के बड़े बड़े नवाब बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हैं, आप बेइज्जती कराएंगे? लो जुमला जरा सुनो, क्या लगे इन बेवकूफों की वजह से मैं मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत छोड़ दूं? मजा आया ना यार, यानी जुमला सुनो, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत छोड़ दूं? मुसलमानों तुम्हारा मकाम क्या है? अपना मकाम जिस दिन समझ गए तुम अपनी कोई भी नबी की बात कही हुई नहीं छोड़ोगे। तो ये बात याद रखना। तो जन्नत के अंदर शुगुल क्या है तुम्हारा? मैं ये कह रहा था कि जो लफ्ज मिले कुरान से तो फिर उसको सेट कर लो। शुगुल फा क्यों? जन्नत वाले उस दिन जो है वो मशगूल होंगे, किसमें? फलों के खाने में, जो है वो खुशी खुशी फलों को खा रहे होंगे। लहुम फीहा फाकिहतुन हुम व अज़वाजुहुम, वो और उनकी बीवियां। फी जिलाल, जिलाल कहते हैं साए को, अलल अराय के, अराय का तख्त, ये जैसे ये ना ऐसे ही तख्त बने हुए होंगे, तो वो तख्तों के ऊपर, कौचिस के ऊपर। अब कौचिस की आपको समझ आएगी, वो ठीक है, वो तख्त बने। अब ये तख्त किसका होगा ये डिपेंड करता है तुमने जिंदगी में नेकी है किसकी की, किस तरह की है, उस हिसाब से तुम्हें मिलेंगे। कईयों को सोने के मिलेंगे, ये रूबी के याकूत के बने हुए होंगे। आपको पता रूबी जितना बड़ा हो जाता है और उसकी कट कमाल की होती है वो महंगा हो जाता है, 40-40 हजार डॉलर तक जाता है। छोटा सा होगा 40 हजार, जितनी तुम्हारी नेकी है वैसा। याकूत बहुत महंगा होता है। तो रूबी के तख्त बने हुए, सोने के, चांदी के, मट्टी के, ये डिपेंड करता है कि आप लोगों ने दुनिया में क्या क्या नेकी की। उसी हिसाब से जैसे आपने पढ़ा है, आप PhD हो आपको रैंक बड़ा मिलेगा, आपका एक्सपीरियंस जो है वो 20 साल का है आपका रैंक ज्यादा हो। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, आप जो पढ़े हुए हो ज्यादा आपका ओहदा वैसा ही बढ़ता चला जाता है। तो जन्नत में भी इसी तरह ही होगा, ये बात याद रखिएगा। रब ताला का अर्श मुबारक होगा और उसके इर्द गिर्द सबसे टॉप के जो तख्त होंगे वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया के होंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे
सिद्दीकीन के होंगे, सहाबा किराम जो हैं सिद्दीकीन, फिर शुहदा, फिर औलिया, फिर हम जैसे गुनाहगार नकम्मे बंदे, उनके सदके हो यकीन है, सरकार के दामन का सदका यकीन है, वैसे अमाल पे यकीन नहीं भाई साहब, तो हम लोगों को शायद मट्टी पे मिल जाए, लेकिन वो मट्टी भी बड़ी कीमती होगी भाई साहब, जो तुम्हें मट्टी के मिलेंगे तख्त वो भी मट्टी कस्तूरी की होगी। हाँ तो इतनी सी कस्तूरी आजकल 7,000 रुपए की मिल रही, तो भैया साहब लगा लीजिए इतनी सी जब 7,000 की है थोड़ी सी, तो ये बड़ा सा तख्त जिसका बना होगा, तो इसलिए उसे भी मामूली मत समझो भाई साहब। अगर आपको 1,000 साल की दूरी वाला भी मकाम मिल जाता है जन्नत में, तो दुनिया के सारे बड़े मकामों से टॉप का है, ये बात याद रखना। अगर 1,000 साल की दूरी पे भी मिल जाता, ये जो मैं बातें भी कर रहा था ये भी हदीस के खुलासे होते हैं, लेकिन उनको मैं तरतीब दे लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना अलग 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 से ये हदीस इसमें फलामे फलामे पर हम वाजवाज हूं। अब आप लोग जन्नत में चले गए, तो जन्नत में जब आप जाएंगे तो ये बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सलाम किया जाएगा, सलामुन 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 अलैकुम बिमा सबरतुम सलामुन अलैकुम तिबतुम। वैसे मैं जब सलाम करता हूं अपने लेक्चर्स में तो सलामुन अलैकुम तिबतुम बोलता हूं, लोग कहते हैं ये सलामुन अलैकुम तिबतुम क्या है, तो आप जब जाओ ना तुर्की, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक, रोजा मुबारक इधर जाए, मस्जिद के गेट के ऊपर ही लिखा हुआ सलामुन अलैकुम तिबतुम, क्यों, इसलिए कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते तुम्हें सलामुन अलैकुम तिबतुम कहेंगे, तो मेरे नजदीक नबी का कलमा पढ़ने वाला हर एक जन्नती है, इसलिए मैं सलामुन अलैकुम तिबतुम बोलता हूं, तो ये फरिश्ते तुम्हें बोलेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम, तुम्हें बस अभी तुमने जन्नत में एंट्री मारनी है तो सलाम सलाम की आवाजें, पहले तो एंट्री आई बड़े मेन गेट से, जब तुमने एंटर करा तो फरिश्ते ने बोला सलाम, गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलेगा, सख्ती से इंग्लिश बना सलामुन अलैकुम तिबतुम, जिस कौम को फखर होता है वो अपनी जुबान बोलती है, आप टर्की में जाओ आती होगी जुबान, मजाल बोल जाएगा तुम्हारे साथ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुर्की के अंदर यही है कि वो तुम्हारी जुबान नहीं समझता, वो अपनी ठोकता है, वो अपनी बोलता है, और ये सिर्फ आप ही का मसला नहीं है, चाइना के वो जो सदर है उसको मैंने देखा, कनाडा बात कर रहा था उसके साथ वजीर आजम के साथ, उसको कह रहा था तुझे मैंने बड़ी जबरदस्त बात की थी तूने लीक कर दी, अपनी जुबान में कह रहा था, साथ वाला तर्जमा कर रहा था, यानी चाइना का इतना बड़ा सदर होके कनाडा वाले को ठोक रहा है, ये ठोकना ही है ना एक किस्म का, मैंने तुझे एक बात की थी तूने लीक कर दी, लेकिन वो इंग्लिश में नहीं कह रहा, हालांकि उसको आती है, वो इस ट्रांसलेटर उसको फिर बता रहा है कि ये मेरा सदर चाइना का ये कह रहा, मुसलमानों अपनी जुबानों पे फख्र करो, ये बाकी चाहे तुम्हें 10 जुबानें आ जाएं सारी आ जाएं, अपने बच्चों को ये मेरी बात याद रखना, जब ये बड़े हो जाएंगे अगर ये तुम्हारी जुबान ना बोलते हुए तो बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, इनको अपनी जुबान जबरदस्ती सिखाओ, इनके साथ बोलो जो भी है, ये जरूरी नहीं उर्दू ही बोलनी, आपकी जो भी जुबान बनती है वो इसको, इसलिए बांग्लादेश वालों को भी मैं बोल दूं अपने बच्चों के साथ वो जुबान जरूर बोल, ये जो यहूदियों के बच्चे हैं ये कभी नहीं बोलते इंग्लिश नहीं बोलते, ये अपनी हिब्रू बोलेंगे, इनको इतना पक्का किया जाता है ये हिब्रू ही बोलेगा, हाँ जब इसको जरूरत पड़ेगी तो दूसरी जुबान इस्तेमाल करेगा, आप कभी न्यूयॉर्क जाके चेक करना ये हिब्रू बोलेगा, वो हिब्रू बोलेगा तुम्हें चेक करने के लिए, और शुरू में मैं टोपी पहनता था, इतनी सारी टोपी होती है, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, वो इतनी सी टोपी, शक पड़ा शायद ये भी उसी तरह का ही, तो वो चेक करने के लिए अब अपनी ही जुबान बोल रहा है कि ये उस जुबान में जवाब देता है कि नहीं देता, तो मुसलमानों जुबान बड़ी अहम होती है, इसे प्यार करो, हमारे लिए सबसे अहम जो है वो सरकार की जुबान है, उसके बाद हमारी अम्मी और हमारे अब्बे की जुबान है, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। तो तुम जो ही जन्नत में गए तो पहले सलाम सलामुन सलाम हुआ, उसके बाद तुम जन्नत के अंदर चले गए, जन्नत के अंदर गए तो जो ही तुम चंदन में बैठे, अब दूसरा देखो तुम्हारी क्या बोलते हो अपनी जुबान में, स्वागत तुम्हारा वेलकम खुश आमदेद कैसे किया जा रहा, हर दरवाजे से फरिश्ता आएगा सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम, हर दरवाजे से फरिश्ता आकर तुम्हें सलाम करेगा जब तुम जन्नत में पहुंचोगे, इसलिए सलाम सलाम बोला करो, अपने बच्चे को भी सलाम सलाम कहा करो। हुम व अज़वाजुहुम, अब जन्नत में आप पहुंच गए तो आप और आपकी बीवियां, वो बीवियां कौन सी, यहां तो आप एक ही बीवी लेके गए, दूसरी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक ही बीवी है, तो यहां तो अल्लाह जमा बोल रहा है तुम्हारी बीवी, तो आप वो बीवियां कितनी मिलेंगी, इसलिए कि सबसे पहले गौर से सुन लो, जब आप जन्नत में पहुंचेंगे तो आपकी उम्र 33 साल होगी, हमारे सईद अख्तरुद्दीन साहब 33 साल के यंग होंगे, फिर देखेंगे जब ये गए थे हैदराबाद से सऊदी अरब में अफसर बनकर, 33 साल के जवान, सौर हमारे इब्राहिम भाई जैसे ये बांग्लादेश में थे ये कराची में, वैसे यंग 33 साल के टॉप के, और वहां भी बोल रहे होंगे रब्बना लकला, मतलब ये जो अच्छी चीज रब्बना लकला हम जिसको मिल गया जन्नत में, आप में से जो जो जिस उम्र का आदमी है
वो चाहे जो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुढ़ा हो गया, जैसे हो गया, जब वो जन्नत में दाखिल होगा फौरन अपग्रेड होकर या सारा कुछ हो गया 33 साल की उम्र, 33 years old हर बंदा जवान, और आपके अंदर जो ताकत होगी वो ऐसी फिट कर दी जाएगी वो 100 बंदों के बराबर होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे 100 बंदों के बराबर आपको ताकत दे दी जाएगी। तो अभी तो आप क्या करते हैं कि वाइटामिन यूज करते हैं, चीजें इस्तेमाल करते हैं, गर्म खुराकें खाते हैं, आप ताकतवर चीजें खाते हैं ताकि मेरे अंदर एक बंदे के बजाय अगला बंदे की एक और ताकत आ जाए, वो आती कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुछ सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि जब ताकत की जरूरत होती है, ताकत दो चीजों से आती है, या मीठे से या गर्म चीज से, और वो दोनों ही बुढ़ापे में मना होती है। गर्म चीज से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मीठी चीज से शुगर हाई हो जाती है। तो अल्लाह फरमाता है अब नहीं आएगी दूसरे बंदे की ताकत, अब तू वापस आएगा मेरे पास। तो लेकिन जन्नत में जब आप पहुंचेंगे तो फिर आपके पास 100 बंदों की ताकत है। तो भाई साहब जब एक बंदे की ताकत में आप 3 पराठे खा रहे हैं तो 100 बंदे की ताकत में कितने पराठे खाएंगे रोजा रखते हुए, अब आप खुद सोच लीजिए। मैं जब हदीस बयान करता हूं तो वाशिंगटन में हमारा मजाक उड़ाया जाता है, मैं जब अमेरिका में हदीस बयान करता हूं तो ईसाई हमारा मजाक उड़ाते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि तुम लोग, तुम्हारे पहलवान कितनी रोटी खाते हैं। मैं जापान वाले से पूछना चाहता हूं, वो जो तुम्हारा मोटू है सोमू, वो कितनी रोटी खाता है, वो इतनी इतने गोले बनाकर जो है एकदम से खा जाता है चावलों के, इतनी चावल खा जाता। तो एक आदमी की जिसमें ताकत है वो इतना खाना खा रहा है, तो जन्नत में तो 100 बंदों की ताकत होगी। अब उसको हर चीज 100 गुना चाहिए। तो मुसलमानों अपने नबी की हदीस का मजाक ना सुना करो ना उड़ाया करो। जब तुम्हें एक बंदे हो तो यहां एक बंदा होकर उसे शादी की जरूरत है, एक बंदा होकर उसे खाने की जरूरत है, तो आप जब जन्नत में जाओगे तो 100 बंदे की पावर होगी। अब उसी हिसाब से तुम्हें तुम्हारी शादियां भी हैं उसी ताकत के हिसाब से, और उसी हिसाब से तुम्हारा खाना भी है। तो अब जब तुम खाना खाओगे तो फिर आगे से एक ने इतराज कर दिया, जब हुजूर फरमा रहे थे तो इतना खाना खाएगा, इतना खाना खाने के बाद रेस्ट रूम में कहां जाएगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस मुनकिर को जवाब दिया, आपने फरमाया वहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा, जब आदमी खाएगा जितना चाहे वो खाए, खाने के बाद सिर्फ उसको पसीना आएगा और उसका पेट जो है वो फिर से साथ जुड़ जाएगा। बस पसीना आएगा, और फिर यहां पसीना आता है तो बदबू आती है, लेकिन वहां जब पसीना आएगा तो आपके पसीने से भी खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह, वहां आप में से हर एक के पसीने से खुशबू आएगी। यहां हमारे सरकार है दुनिया में कि उनके पसीने से खुशबू आती थी, तो पता चला सरकार दुनिया में भी जन्नती है, जन्नती नहीं जन्नत बांटने वाले हैं। आपके पसीने, बल्कि आपके पसीने को इस्तेमाल किया जाता था खुशबू के अंदर। अभी पूरी दुनिया में अंबर को इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम के अंदर, कस्तूरी को इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम के अंदर, कोई भी परफ्यूम बनता नहीं है जब तक कि उसमें कस्तूरी ना डले या उसमें अंबर ना डले, इसलिए कस्तूरी और अंबर महंगे से महंगा होता चला जा रहा। सुभान अल्लाह, तुम अपने इत्र बनाने के लिए कस्तूरी का इस्तेमाल करते हो, अंबर का इस्तेमाल करते हो, साहबा कराम अपने इत्र को देर पा बनाने के लिए मुस्तफा के पसीने को इस्तेमाल करते हो। यूं लकड़ी रख के सरकार के पसीने को यूं लेते थे, यूं लकड़ी रख के यूं, और वो पसीने को नीचे रख के क्या करना है तुमने, इसको मैं जाके इत्र में मिलाऊंगी, क्योंकि जब सरकार का पसीना इत्र में मिल जाता है फिर पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती है। और ये बात कोई मुकर्रराना नहीं है, वाकई वो जब सरकार का पसीना इत्र में मिलाया ऐसी खुशबू आई, उनका घर ही इत्र वालों का घर जो है वो मशहूर हो गया, घर मशहूर हो गया कि यहां से खुशबू आती है। तो मुसलमानों तुम जन्नत में जब पहुंचोगे तो फिर ये पसीना, रोटी के बाद सिर्फ पसीना आएगा, बस पसीना आया आपकी रोटी टोटल हजम और पेट फिर से। अब ये खास लफ्ज है हदीस में, पेट फिर वापस, यहां पेट आप सांस खींच के रखो, वैक्यूम करना पड़ता तब जाके पेट भी इधर फिर आगे चला जाता, लेकिन वहां आपको पसीना आया, कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, पेट अपनी हालत में फिर वापस पलट आएगा। हम व अजवाज, फिर आपकी बीवी है, फी जिलाल, आप साए में होंगे, अलल अराइक, कौचिस के ऊपर, ये कौचिस मैंने बता दिया, मुत्तकीउन, टेक लगा, इसको तकिया का लफ्ज, ये तकिया का लफ्ज से ये मुत्तकीउन है, तकिए तकिया लगाए हुए वहां बैठे होंगे। ये आदमी आमतौर पे जब रिलैक्स होता है ना तब उसकी ये कैफियत होती है। तो जन्नत में काम तो है कोई नहीं है, यो टाइम हो गया स्कूल जाना, बच्चे छोड़ने के लिए जाना, बच्चे लेने के लिए जाना, अब ऑफिस में जाना, अब घर नहीं, फारिग, सब कुछ खत्म, अब बैठो आराम से।
तुमने बड़ी मुसीबतें उठा ली, तुमने नमाजें पढ़ी, तुम अंधेरे में गए, तुमने लोगों की बातें सुनी, तुमने बड़ा काम किया, तुम बीमार हुए, अब सब खत्म, अब बैठो आराम करो, अब तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वो अता करेंगे। तो अब जब आप जन्नत में पहुंचेंगे तो वहां आपकी अजवाज जो है वो कैसी होंगी, ये एक नक्शा है कि दुनिया में अजवाज को ऐसा बनना चाहिए, एक नक्शा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह ये जो फरमाते हैं कि कान्नहुन याकूत वल मरजान, बीवियां ऐसी होंगी जैसे रूबी और मरजान है, आपने फरमाया या रसूलल्लाह इससे क्या मतलब है? वाकई सही है कि अगर पता चले जी बीवी पत्थर की बनी हुई है, वो पत्थर की बीवी को क्या करना, या जिंदा बीवी पत्थर की बन जाए तो मुसीबत बन जाती, तो वो पत्थर की अगर बीवी होगी, कान्ना हुन्नल याकूतो वल मरजान, याकूत भी पत्थर, मरजान भी जो है वो भी हार्ड किस्म का, तो क्या ये याकूत और मरजान की बनी होगी? फवानी नफासत, खूबसूरती, नफासत और खूबसूरती को बयान किया गया, मतलब ये नहीं है कि बीवियां पत्थर की हो, बंदा इंसान का हो, नहीं, कान्ना हुन्नल याकूत वल। तो या रसूलल्लाह ये जो खैरातुन हिसान है कि वो बीवी जो मिलेंगी वो खैरातुन होंगी और एहसान होंगी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरातुन उनका कैरेक्टर बड़ा टॉप का होगा, अखलाक पे आला दर्जे पे फायज होंगी, हिसान खूबसूरत होंगी, हिसान हा के नीचे जेर। देखा आपने ये सारी चीजें जो हैं ये बीवी में अब भी हों तो वो दुनिया इस घर को भी जन्नत बना देती। अब देखते जाइए आप, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर पूछा गया ये बैद मकनून क्या है या रसूलल्लाह, कि वो छुपाया हुआ अंडा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छुपाया हुआ अंडा से मुराद ये बीवियों की एक सिफत ये बयान की गई, छुपाया हुआ अंडा। तो आपने जब कभी अंडा खाया हो तो अंडे के ऊपर एक नाजुक सा परत होता है, वो आप हटाते हैं तो फिर उस अंडे का टेस्ट और बढ़ जाता है, जब वो उबला हुआ ऊपर से छील के एक नीचे उसके परत होता है, तो सरकार फरमाते हैं ये भी उनकी नजाकत की जो है वो तशरीह की गई, अल्लाह पर जल्ला शान हो। अब ये नहीं कि औरतें अंडे में छुपी हुई, ये उनकी नजाकत कि छुपा हुआ अंडा, जरा मकनून का माना छुपा, छुपा हुआ अंडा। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लम यतमिस हुन्ना इंसुन कबलहुम वला जान, ऐसी बीवियां पाक और पकीजा कि किसी इंसान ने हत्ता के जिन ने भी इससे पहले उनको नहीं छुआ होगा। ये सिफात हैं और ये सिफात आलिया जब औरत में पैदा हो जाती थी, सब की सब थी, अब भी मुसलमान औरतों में है, ये बात याद रखिए। तो ये सिफात उस जन्नत, तो वो जन्नत की, और जब आप जाएंगे तो आपकी वो भी, लेकिन आपकी ये जो मौजूदा बीवी है जो आपके निकाह में मर गई, जिसको डिवोर्स दे दिया और उसने किसी और से निकाह कर लिया, वो आपकी बीवी नहीं बनेगी, और जो आपके निकाह में ही मरी है, ये बात याद रखिएगा, वो फिर कयामत की हो, चाहे जितनी भी बुढ़ी हो, जिसम ये स्किन उसकी लटक गई हो, जो कुछ आंखें भी बंद होगी, अल्लाह ताला सरकार, या मैं फिर खुलासा बयान करने लगा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसको हसीन और खूबसूरत बना दिया जाएगा, और उसकी आंखें हूर से भी ज्यादा खूबसूरत होंगी, और ये तुम्हारी बीवी उन तमाम औरतों की सरदार होगी, इसलिए कोई मसला ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। तो ये जो बीवी है ये उन तमाम बीवियों की जो है वो सरदार होगी, और अल्लाह ताला इसे हुस्न उनसे भी बढ़कर देगा, ये बात याद रखिएगा। तो बाकी परेशान होना नहीं कि अगर ये भी बीवी मिलती है वहां जाके ठीक हो जाएगी। लहुम फीहा फाकिहतुम वलहुम मा यद्दाउन, लहुम वास्ते उनके फीहा उस जन्नत में फाकिहतुन मेवे है, फाकिया कहते हैं मेवे को, फ्रूट को, लेकिन कुछ कहते हैं कि अनार और अंगूर इससे हटके इनके अलावा जितने हैं वो सब मेवे। बहरहाल ये मुफस्सिरीन की अपनी गुफ्तगु है। तो फाकिहतुन फल मिलेंगे वहां, यहाँ रोटी का तस्करा कोई नहीं है, रोटी मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, सालन मिलेगा, मसाले, मिर्चें, नहीं कोई नहीं ले, क्यों? इसलिए कि ये जो मसाले, मिर्चें, बिरयानी, आलू गोश्त, लहीम, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, अगर चाहिए होगी तो स्पेशल ऑर्डर पे बना दी जाएगी, वरना इसकी वहां जरूरत नहीं है। तो फल आदमी खाता है वैसे ही लुत्फ लेने के लिए, तो वहां आपको भूख शूख का कोई चक्कर नहीं होगा, ये सब लेंगे तो वहां फल दिए जाएंगे आपको, और फल जब दिए जाएंगे तो सूरह बकरा आपने पढ़ी, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी तहतिहा अलनहार खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा वो जन्नत के अंदर रहेंगे। तो कुल्लमा रुज़िकु मिनहा मिन समरतिर रिज़्कन क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जब उनको फल दिया जाएगा तो कहेंगे ये अल्लाह पाक है, तो वही है जो इससे पहले दिए गए पाकिस्तान में, उसी आम जैसे हैं, उसी सेब जैसे हैं, उसी अनार जैसे हैं, उसी केले जैसे हैं, कुरान मजीद में एक मरतबा केले का जिक्र दिया है, उसी केले जैसे हैं, तो वो दिखने में तो वैसे लगेंगे, लेकिन जब तुम टेस्ट करोगे तो फिर हर एक तुम्हें डिफरेंट लगेगा। एक ही दरख्त के ऊपर सेब लगे हुए होंगे, यहां आप कश्मीर का सेब खाएं
तो एक दरख्त के सारे सेबों का टेस्ट एक ही है, लेकिन जन्नत में जब आप खाएंगे ये सेब तोड़ा तो टेस्ट और, ये तोड़ा साथी वाला तो टेस्ट और, तीसरा तोड़ा तो टेस्ट और, तो हर एक का टेस्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। और फिर यहां आपने सेब खाया तो आपने जो है वो चक मारा, तो सेब को थोड़ी देर के लिए रखा, सेब सब वहां से कलर चेंज कर गए, फिर एप्पल ने अपना निशान बना लिया वहां से। एप्पल का जो है ना, ये एप्पल जो सेल है, इस बेचारे ने सोच सोच के कि मैं सेब लूं लेकिन मैं कौन सा साइन बनाऊं, लोगों मेरा कौन सा हो, मेरा साइन कौन सा हो, सोच सोच फिर इसने कहा जिसको चक मारा हुआ हो। तो आपने देखा इसका एप्पल का वही होता है जिसको चक मारा हुआ होता है। तो आज तक चक मारे हुए सेब के कितने पैसे कमा रहा। तो कयामत के दिन अगर आपने चक मार लिया, बाइट ले ली, तो अब सुनो क्या होगा, बाइट लेकर आपका मन चाहा कि मैं सेब नहीं खाता, यहां का सेब तो जाया हो गया, उसका कलर ही चेंज हो गया थोड़ी देर के बाद, वहां ऐसा नहीं होगा, वहां जो आपने खाया जो बाकी बचा उसके बाद वो फिर पूरा सेब बनकर वही उसी जगह पे लग गया। तो वहां जाया होने का मसला कोई नहीं। आपका दिल किया जी मैं आज चरगा खाना चाहता हूं रोस्टेड, वो भी तो रोस्टेड चरगा आपकी सोच के मुताबिक आपके सामने आ गया। अब आपने सिर्फ एक टांग खाई, दो टांगे उसकी खाई, चेस्ट आपने उसकी छोड़ दी, वह बड़ी सख्त होती है, मैं नहीं खा सकता। अब आपने उसकी छोड़ा तो अब यहां कहां होगा, यहां तो जाया हो गया, वहां ऐसा नहीं होगा, वो उसी तरह फिर जुड़ गया, जुड़ने के बाद जो परिंदा था जैसा था वो उड़ के फिर वापस चला गया। तो रिस्क का ज़िया भी नहीं होगा। ये जन्नत की चीजों से कुछ तुझे समझाया जा रहा है, अगर तुम समझ जाओ तो, ये कोई समझाया जा रहा है। तो मुसलमान जो होता है ना वो तदब्बुर करता है, फिर उन्हीं चीजों को यहां अप्लाई करता है और यहां भी जन्नत बनाता है। तो फल होंगे आपके लिए जनाब, वलहुम मा यद्दउन, व्हाटएवर दे रिक्वेस्ट, जो तुमने चाहा वो तुम्हें वहां फल मिल जाएगा, जैसा फल जो है वो तुम चाहते हो। अब आ जाओ आखिरी सलाम, कौलम मिन रब्बे रहीम, सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपने अपनी जगह पे फिट हो गए, हर एक को अपने रैंक के हिसाब से तख्त मिल गया, हर एक की शादी वादी हो गई, वो अपनी अजवाज के साथ हैं, ऐलान होगा अब रेडी हो जाओ, परवरदिगार आलम अपना दीदार करवाना चाहिए। बस लो जी, जन्नत भी कख नहीं, कुछ नहीं है जन्नत। जन्नत में दो चीजें मुझे टॉप की लगती हैं, एक हमारे मोहम्मद मुस्तफा और दूसरा रब का दीदार। सुभान अल्लाह, ये दो चीजें टॉप की हैं जन्नत में। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत के साथ जो चीज आखिरी मिलेगी मुसलमानों को टॉप की, इससे बढ़िया चीज और कोई नहीं होगी। आवाज आएगी, खुश हो हमसे मालिक, खुश क्यों ना हो, दोजख से तूने बचाया और जन्नत में पहुंचाया, हर किस्म की नेमत हमें अता की मालिक, जो चाहते हैं खा लेते हैं, राजी क्यों ना हो। तो रब फरमाएगा, जाओ आज तुम पे एक और करम होता है, आज से तुम पर हमारी रजा हलाल हो गई, आज के बाद हम तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे। और दूसरी जगह मैंने पढ़ा, अर्शे बरी पे जलवा फरमा पाए मालिको, सरकार बैठे हुए हैं, चौदहवीं का चांद यूं सामने है, सहाबा की तवज्जो चौदहवीं के चांद की तरफ दिलाई, और यूं बैठे हुए हैं सहाबा और सरकार यूं बीच में बैठे हुए हैं, फरमाने लगे वो देखो चौदहवीं के चांद को देखा, कहने लगे जब तुम जन्नत में जाओगे जिस तरह इसे देख रहे हो इसी तरह ही रब को अपने सामने देखो। तो जब रब ताला की तजल्ली होगी, अब मैं उसको तजल्ली कहूं या रब ताला की जात, तुम देख मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बस जो समझ जाते हो तो समझ जाओ, उस वक्त फिर रब ताला कहेंगे सलाम सलाम, ये तब तुम सुनोगे सलाम। रब ताला ने सलामती भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, इब्राहिम पर सलाम, मूसा हारून पे सलाम, नूह पे सलाम, मुरसलीन पे सलाम, सालेहीन पे सलाम, और लैलतुल कद्र में सलाम मतलाए फजर तक, मगर सुना नहीं हमने। पर जन्नत में जब तुम जाओगे तो मेरा रब कहेगा सलाम, कौलम मिन रब्बे रहीम, रब्बे रहीम की तरफ से ये कहा गया होगा सलाम। हुजूर पढ़े, दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़े तो कमाल होता है, जब मेरे रब की जुबान से हम सुनेंगे फिर क्या हाल होगा, मैं तो समझता हूं सारे के सारे बेहोश हो जाएंगे। सलाम, ये बहुत बड़ा वजीफा है। अब भी चीजें आपको दी गई हैं, मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया था, मैं आप लोगों को दे देता हूं, मेरे मुर्शिद ने मुझे कम ही वजीफे दिए, उनमें से एक ये था, एक किसी और लैंग्वेज का था, सुरियानी का, ये है, ये मैं क्योंकि हम लोग अपने पास क्यों रखें, उन्होंने मुझे फरमाया था हर नमाज के बाद 11 मरतबा इसे पढ़ना है, सलाम
कौलम मिन रब रहीम सलाम, कौलम मिन रब रहीम सलाम कौल। तो कयामत के दिन रब रहीम का कहा गया क्या होगा? सलाम। दे विल हैव ए ग्रीटिंग ऑफ पीस फ्रॉम द मोस्ट मर्सीफुल रब, रब की तरफ से ग्रीटिंग होगी तुम्हें उस दिन, सलाम। तो इसलिए मुसलमानों ये अभी से पकाना शुरू कर दो ताकि जब आए तो फिर और मजा ले सको। सलाम उन कौलम मिन रब रहीम, कम अज कम 11 मरतबा हर नमाज के बाद। तो देखना फिर जरा लुत्फ क्या आता है, और जरा पढ़ते हुए ना दिमाग खाली करके फिर इसको पढ़ के जरा फील करना। अच्छा, चीजों को फील किया करो, जब कोई चीज करते हो, रोजा रखते हो, जरा फील करो, नमाज पढ़ते हो फील करो, कोई वजीफा करते हो ना, लेकिन उसके लिए माहौल बनाना जरूरी, शोर में नहीं होता, ये बात याद रखिए। इसलिए हुजूर गारों में जाते थे बौलिया का, उसको फील करने के लिए। तो सलाम उन कौलम मिर रब रहीम, ये दिल है, ये टॉप की चीज है सूरह यासीन के अंदर। इसलिए अपने बच्चों को भी याद करवा दो और खुद भी याद करो, नमाज के बाद जो है कुल वल्ला भी पढ़ा करो, ये भी पढ़ा करो, या बदल बदल के हर एक के ऊपर अमल करते रहा करो। लो मैं इसे दोहरा कर ही तकरीर मुकम्मल करता हूँ। सलाम कौलम मिन रब रहीम। صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رحمن الرحيم ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگار عالم سورہ یاسین کے اندر جن لوگوں کی اللہ تعالی تو نے صفات بیان کی ہیں ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما لینا یا اللہ تعالی جو جنتی ہوں گے یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما لینا یا اللہ پاک ہمارے بچے اور بیوی जो सुन रही हैं दूर दराज और यहाँ इन्हें भी जन्नत अता फरमाना मालिक, या अल्लाह इनके बच्चों को भी जन्नत अता फरमाना। ऐ परवरदिगार आलम तू फरमाता वाली मन खौफ मकाम रब्बी जन्नतान, जिनको दो जन्नतें देगा उन लोगों में हमें भी शामिल फरमाना मालिक। या अल्लाह जिसका रोजा कबूल किया उसके उसके सदके से हमारा रोजा भी कबूल फरमा। या अल्लाह तआला सैयद दुहा साहब की फैमिली की तरफ से इफ्तारी थी परवरदिगार आलम, ये इफ्तारी कबूल फरमा के इसका सवाब जो है उनकी रूह को देते हैं। या अल्लाह तआला उनके नामा अमाल में तहरीर फरमा दे मालिक। बच्चों ने और उनके मुरीदीन ने चाहने वालों ने जो कोशिश की है, या अल्लाह तआला इस कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और मुरीदीन और बच्चों का ताबे फरमान बच्चों और मुरीदीन की लिस्ट में या अल्लाह नाम तहरीर फरमा दे। हमारे बच्चे बैठते हैं सुनते हैं, या अल्लाह तआला इनका मुस्तकबिल भी रोशन फरमा, और जो बच्चे टीवी पर बैठ के सुन रहे होते हैं अल्लाह तआला उनका भी मुस्तकबिल रोशन फरमा दे। जिनकी बच्चियां बच्चे बीमार हैं शिफा अता फरमा, जिनके बड़े बूढ़े बीमार हैं शिफा अता फरमा, खुद बीमार है कोई तो शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक शिफा तेरे कब्जाए कुदरत में है, परवरदिगार आलम बीमारों को शिफा कुल्ली अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनकी वजह से मैं बात आगे तक पहुंचा पाता हूँ, मेरे उन दोस्तों और साथियों और अकीन की अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत पैदा फरमा दे मालिक। अल्लाह पाक जब वक्त आए तो खातिमा ईमान पे फरमाना, और जब जा रहे हो तो ये कलिमा जुबान पे जारी फरमाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।